बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर हैविंग आर रीडिंग क्लास, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस क्लास विल बी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, लर्न न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम यूनिट 2 लेसन 3। द नेम ऑफ द यूनिट इज लॉस्ट कज़न। दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू कज़न्स, अंकल एड एंड डैड। These two cousins have some sort of fighting because of their business. Their daughters Alice and Lucy are cousins, so they want to get their family meet again. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि इस कहानी में, जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है, लॉस्ट कज़न यानी गुमशुदा चचाजाद, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें मालूम है कि चचाजाद भाई की बात हो रही है। अब इसमें क्या है कि दो गर्ल्स हैं, लूसी और एलिस, ये दोनों कज़न्स हैं। लूसी की एक बहन है केट, ठीक है। लूसी और एलिस के जो फादर्स हैं अंकल एड और डैड, वो आपस में लड़ पड़े हैं बिजनेस के किसी काम की वजह से। अब लूसी और एलिस इन दोनों फैमिलीज को आपस में मिलवाना चाहती हैं। लेट अस रीड दैट हाउ दे विल मीट, गेट देयर फैमिलीज मीट विद वन अनदर। Did you get a birthday card from Alice? Kate asked. अब Alice की, Lucy की बहन Kate पूछ रही है कि क्या तुम्हें Alice की तरफ से birthday card मिला? No, नहीं, worse luck, बदकिस्मती से, replied her sister Lucy. Lucy ने जवाब दिया, I don't know how she is or where she is. मुझे नहीं पता वो कैसी है और कहाँ है। We have the same birthday, so I couldn't send her a card either. हम दोनों की एक जैसी सालगिरह है, मतलब एक ही दिन सालगिरह है, मैं भी उसे कार्ड नहीं भेज सकी। यू मिस हर डोंट यू, क्या तुम उसे याद करती हो? आस्क केट, केट उससे पूछती है। ऑफ कोर्स, यकीनन आई डू, मैं उसे याद करती हूँ, एग्रीड लूसी, लूसी ने इत्तफाक किया। इट सीम्स रॉन्ग दैट आई कांट सी माई ओन कज़न, ये मुझे बुरा लगता है, गलत लगता है कि मैं अपनी कज़न को नहीं मिल पाती, नहीं देख सकती। आई विश अंकल एड एंड डैड हैडन क्वारल्ड, मेरी ख्वाहिश है कि अंकल एड और डैड आपस में ना लड़े होते। क्वारल का मतलब होता है लड़ना। आई फील सो हेल्पलेस समटाइम्स, मुझे बाज़ुकात अपना आप बहुत बेयारो मददगार लगता है। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो। कम ऑन, सजेस्टेड कैट, कैट उसे हौसला देते हुए कहती है, आई एम श्योर देयर इज समथिंग वी कैन डू, मेरा मुझे यकीन है कि कुछ ऐसा है हम लोग कर सकते हैं। लेटर दैट इवनिंग, उस दिन शाम में, लूसी वॉन्टेड टू आस्क हर मॉम सम क्वेश्चंस अबाउट द फैमिली। लूसी जो है वो अपनी माँ से फैमिली के बारे में कुछ सवालात करती है। एट फर्स्ट शी हेजिटेटेड, पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाती है। देन शी फाउंड द करेज टू स्टैमर, फिर वो उसमें थोड़ा हौसला आता है और वो स्टैमर करने लगती है। स्टैमर का मतलब होता है अड़ अड़ कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, जैसे बंदा बड़े बंदे से बात करते हुए थोड़ा सा डर के बोलता है। मम, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, माँ क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ। अब यहाँ पर जो वर्ड एर इस्तेमाल हुआ है, ये इंग्लिश में शो कर रहा है कि वो हिचकिचा कर बोल रही है। Why did dad and Uncle Ed split up? Dad और Uncle Ed आपस में क्यों अलहदा हो गए? Split up का मतलब क्या है? अलहदा। वैसे split up का मतलब होता है टूट जाना, लेकिन यहाँ पर दो लोग आपस में टूटते नहीं हैं, उनका रिश्ता टूटता है, लेकिन इस sentence में इसका मीनिंग बन रहा है अलग हो जाना, अलहदा हो जाना। I know they had an argument about the business. मैं जानती हूँ कि उनका कारोबार के मामले में कुछ जो है वो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, यानी दलील चल रही थी, कोई ऐसी डिस्कशन जिसमें वजूहात बयान की जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट वॉज़ वेरी अपसेटिंग फॉर अस ऑल, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन था, स्नैप्ड मम, माँ ने थोड़ा गुस्से से कहा। बट वॉज अंकल एड डिसऑनेस्ट, क्या अंकल एड बेईमान थे? कंटिन्यूड लूसी, लूसी ने अपनी बात जारी रखी। Was he breaking the law? क्या वो कानून तोड़ रहे थे? No, not at all. नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, answered mom. माँ ने जवाब दिया। Beginning to confide in Lucy, और फिर लूसी पर एतबार करते हुए, यकीन करते हुए शुरू हुई, यानी बताना शुरू हुई।
देयर वॉज अ डिसएग्रीमेंट अबाउट बिजनेस प्लान्स, बिजनेस के कुछ प्लान के बारे में उनका आपस में ना इत्तफाकी थी। अंकल एड वॉन्टेड टू टेक बिगर रिस्क, अंकल एड जो है बड़ा नुकसान उठाना चाहते थे, बड़ा रिस्क लेना चाहते थे जिसमें खतरा था। इफ़ ऑल वेंट वेल, अगर सब कुछ ठीक चलता, वी वुड ऑल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, तो हम सब बहुत ज़्यादा पैसे बना लेते। बट इफ़ द बिजनेस हैड डन बैडली, लेकिन अगर बिजनेस जो है वो गलत, यानी डन बैडली मीन्स कि अगर बुरा हो जाता बिजनेस के साथ कुछ भी, वी कुड हैव लॉस्ट ऑल आर मनी, तो हम अपनी सारा पैसा खो देते। एंड दिस हाउस टू, और ये घर भी। सो अंकल एड गॉट वेरी अपसेट, फिर अंकल एड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए एंड वेंट अवे, और चले गए। डज डैड मिस हिम, क्या डैड उन्हें याद करते हैं? लूसी आस्क्ड सॉफ्टली, लूसी ने नरमी से पूछा। आई थिंक सो, मेरा ख्याल है, बट ही डजंट टॉक अबाउट इट, लेकिन उन्हें कभी इस बारे में बात नहीं की, रिप्लाइड मम, माँ ने जवाब दिया। फॉर अ डे और टू, एक या दो दिन बाद, लूसी सर्च द टेलीफोन बुक फॉर द टाउन, लूसी ने अपनी टेलीफोन बुक खोली जो उसके पास थी, यानी अपने शहर की टेलीफोन बुक जिसमें सारे फ़ोन नंबर थे। वेयर एलिस यूज़ टू लिव बट विदाउट सक्सेस, यानी उसने अपने टाउन की टेलीफोन बुक खोली जिसमें एलिस का वो पता ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कामयाबी ना हुई। देन शी हैड एन आइडिया, फिर उसे ख्याल आया, परहैप्स शी हैड द ईमेल एड्रेस ऑफ हर कज़न्स फ्रेंड ग्रेसी, अब उसे ख्याल आया कि उसकी कज़न की एक फ्रेंड थी ग्रेसी, उसका ईमेल एड्रेस उसके पास था। शी स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर, उसने अपना कंप्यूटर खोला एंड ब्राउज्ड थ्रू हर एड्रेस बुक, और अपनी एड्रेस बुक में से ढूंढने लगी। नथिंग, कुछ भी नहीं। देन शी स्क्रोल डाउन, फिर उसने नीचे स्क्रोल किया, मतलब पॉइंटर से कंप्यूटर में नीचे जो है वो नीचे की तरफ आई। एंड नोटिस अ फोल्डर कॉल्ड फ्रेंड्स, और उसमें उसने फोल्डर देखा जिसका नाम क्या था, फ्रेंड्स। आप जब भी अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ रखेंगे तो आप फोल्डर में क्या रखेंगे, और अगर एड्रेस रखेंगे तो एड्रेस बुक में रखेंगे, और अगर आप कोई चीज़ ध्यान से सर्च कर रहे होंगे बीच में, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं। यस, देयर इट वॉज, इट वॉज ग्रेसी 28 @ ऑफ swiftmail.com, यानी अब वो क्या कह रही है कि जब उसने फ्रेंड्स का फोल्डर खोला तो वहाँ पर उसको ईमेल एड्रेस नज़र आ गया ग्रेसी का, जो यहाँ पे ग्रेसी का लिखा हुआ है। लूसीज फर्स्ट ईमेल बाउंस्ड बैक टू हर, सो शी ट्राइड अगेन, लूसी ने पहली ईमेल भेजी लेकिन वो वापस आ गई, उसने दोबारा कोशिश की और दोबारा ईमेल लिखी जो आपको नज़र आ रही है। सब्जेक्ट में उसने लिखा हुआ है हाई ग्रेसी, फिर डेट है, फिर लूसी का एड्रेस है, फिर ग्रेसी का एड्रेस है, और फिर उसने लूसी को कहा हुआ है कि हाई ग्रेसी को कहा हुआ है, हाई ग्रेसी, इफ यू हैव माई कज़न एलिस ईमेल एड्रेस, प्लीज़ कुड यू फॉरवर्ड दिस ईमेल टू हर, कि लूसी अगर तुम्हारे, सॉरी ग्रेसी, अगर तुम्हारे पास एलिस का ईमेल एड्रेस है तो क्या तुम्हें ये मेरी ईमेल उसे फॉरवर्ड कर सकती हो, थैंक्स लव लूसी। अब वो ईमेल कौन सी फॉरवर्ड करनी थी, डियर एलिस, प्यारी एलिस, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, प्लीज़ सेंड मी योर ईमेल एड्रेस, मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेजो, होप यू हैड अ गुड बर्थडे, उम्मीद है तुम्हारी बर्थडे अच्छी रही होगी, लव लूसी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ रही है, उसने पहला मैसेज ग्रेसी को किया कि मैं तुम्हें एक मैसेज भेज रही हूँ, ये वाला जो तुमने लूसी को भेजना है। ठीक है, टू डेज लेटर लूसी रिसीव्ड एन ईमेल, दो दिन बाद लूसी को एक ईमेल मिली है फ्रॉम एलिस। अब लूसी ने एलिस को भेजी थी, दो दिन बाद एलिस ने उसका जवाब दे दिया, यानी एलिस ने वो ईमेल पढ़ ली। बिलो द हेडर वॉज द मैसेज, हेडर का मतलब क्या है, जो पीछे मैंने आपको दिखाया था जिसमें डेट वगैरह सब कुछ डली हुई थी, वो हेडर था। अब हेडर के बाद क्या था, लूसी यू आर जस्ट ग्रेट, लूसी तुम बहुत अजीम हो, यू मैनेज टू ट्रैक मी डाउन, तुमने मुझे तलाश कर लिया, आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश थी, मैंने सॉ योर ई मेल सिटिंग इन माई इनबॉक्स, जब मैंने अपने इनबॉक्स में तुम्हारी ई मेल देखी। इनबॉक्स क्या होता है बेटा, जहाँ पर ई मेल या मैसेजेस आते हैं। आई वुड लव टू सी ऑल योर फैमिली अगेन, मैं तुम्हारी सारी फैमिली को दोबारा देखना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल स्पीक टू मम एंड डैड, मैं अपनी माँ और बाप से बात करूँगी। वाई डोंट वी मीट अप फॉर अ लंच एट अ रेस्टोरेंट हाफ वे बिटवीन आवर होम्स, क्यों ना हम अपने घरों के दरमियान में एक जो रेस्टोरेंट है वहाँ लंच के लिए इकट्ठे हो जाएँ। हु नोज, मे बी आर डैड्स कुड फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, क्या पता हमारे वालदैन, यानी हमारे माँ बाप जो हैं वो अपने इख्तलाफात भूल जाएँ। टू डेज लेटर, दो दिन बाद, एट सपर, यानी दोपहर के खाने के वक्त, आफ्टर अ फ्यू प्राइवेट फ़ोन कॉल्स,
कुछ प्राइवेट फ़ोन कॉल के बाद मम सजेस्टेड अ ट्रिप फॉर द फॉलोइंग संडे। मॉम ने एक ट्रिप बताया कि अब इस संडे को यानी आने वाले संडे को वो ट्रिप होगा। लूसी वांट्स टू विजिट, और वो बता रही थी कि क्यों होगा ट्रिप, कि लूसी वांट्स टू विजिट एन ओल्ड फ्रेंड शी हैजंट सीन फॉर सम टाइम, कि लूसी अपनी पुरानी दोस्त से मिलना चाहती है जिसे उसने कुछ अरसे से नहीं देखा। वी कुड ऑल मीट अप फॉर लंच, हम सब लंच पर इकट्ठे मिलना चाह रहे हैं। आई एम प्रेटी बिजी ऑन संडे, सेड डैड। डैड ने क्या कहा कि मैं तो बहुत मसरूफ हूँ इतवार वाले दिन। प्लीज़ डैड, प्लीडेड लूसी। लूसी ने प्लीडेड, रिक्वेस्ट की, इल्तजा की, प्लीज़ डैड, यानी बराए मेहरबानी डैड, शी एंड आई वर सच गुड फ्रेंड्स, मैं और वो बहुत अच्छी दोस्तें रही हैं। ओके अग्रीड डैड। फिर डैड ने क्या किया, इत्तफाक किया, ओके यानी ठीक है। विच फ्रेंड इज़ इट एनी वे, वैसे ये कौन सी दोस्त है। आई मेट सम ऑफ देम, मैं तो कुछ से मिला हुआ हूँ। आई टेल यू अबाउट हर इन द कार ऑन द वे टू लंच, मैं आपको कार में बताऊँगी जब हम लंच के लिए जा रहे होंगे, सेड लूसी। लूसी ने कहा। अब आपको बेटा अंदाज़ा हो गया होगा कि लूसी उनको का अभी क्यों नहीं बता रही फ्रेंड का, क्योंकि वो वही फ्रेंड है जो के उसके अंकल, जो डैड है उसके कज़न अंकल एड की बेटी है। अगर वो अभी बता देगी तो शायद डैड नहीं जाएंगे। इस वजह से उसने क्या कहा कि नहीं, जब गाड़ी में बैठ जाएंगे सब, हम लंच पे जा रहे होंगे, तब मैं उनको बताऊंगी कि हम एलिस लोगों से मिलने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रीडिंग समझ में आ गई होगी। नाउ योर टास्क इज़ कि आपने इसको रीड करना है कम अज़ कम दो दफ़ा, एंड देन यू विल हैव टू राइट वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग की लिस्ट मैं आपको पिक्चर में भेज दूँगी। ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड।